काल काल और इतिहास उसका होता है जिसने इस देश के लिए कुछ किया है। उन्होंने शस्त्र रख करके, तलवारें रख करके भी बुद्ध के संदेश से इस देश पर राज करने का काम किया था। हमारे समाज में जहाँ कोई आईएएस पीसीएस जजेस नहीं होते थे, आज समय आप देखेंगे, आज जम्मनवादी ताकतों के तहत ये सरकारें चल रही हैं, तो हम कई भागों में बढ़ चुके हैं। प्रसाद मौर्य आ रहा था, आप भीड़ दिखा रहे थे, मैं कल ही सुन रहा था आपको, देखा था मैंने, लगा कि आज यहाँ कुछ होने वाला है। ये दुनिया को युद्ध से नहीं जीती जा सकती, बुद्ध से भी जीती जा सकती है। आज जो उसी परिप्रेक्ष्य में सुल्तानपुर की पावन धरा पे एक कार्यक्रम चल रहा, हम लोग गांव-गांव जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के बच्चे आईएएस बन रहे, पीसीएस बन रहे, अभी बिहार के लड़के ने टॉप किया था आईएएस में, और बहुत सारे जी है। भैया जी से बात करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में जैसे आप आए हैं, तो क्या आज ये संदेश दे रहे हैं लोगों को और अपने समाज को किस तरीके से संगठित कर रहे हैं? आज ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती मनाई जा रही है, अशोक सम्राट जी के प्रपौत्र जी, जो कि विश्व में पूरा सबसे बड़ा मानवता का संदेश देने का काम किया था, आज उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद सुल्तानपुर की पावन धरा पर तिकोनिया पार्क में ये कार्यक्रम चल रहा है। ये मानवतावादी कार्यक्रम है, जो हमारे सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जी जो आज देख रहे फलदार वृक्ष रोडों के किनारे लग रहे हैं, जो पानी पीने के लिए तालाब कुएं पोखरे खुदवाए गए थे, ये सम्राट अशोक जी के शासन में चला। यहाँ पर कोई जाति धर्म की बात नहीं है, मानवता का संदेश देने का काम सम्राट अशोक मौर्य ने किया था। जो कालिंग में कोई युद्ध अगर लड़ता है, उन्होंने शस्त्र रख करके, तलवारें रख करके भी बुद्ध के संदेश से इस देश पर राज करने का काम किया था। चाहे आप अफगान को ले लीजिए, चाहे जापान को ले लीजिए, चाहे श्रीलंका को ले लीजिए, कई राष्ट्रों में अशोक के जो है सम्राट के शासन ने अशोक धर्म से प्रचार प्रसार करने का काम किया। निश्चित तौर पे मौर्यों का राज जो था, जहाँ पर भेड़ बकरी सारे लोग एक समानता का अधिकार पाते थे, ऐसे सम्राट के शासन को आज हम पुनः याद करने का काम कर रहे हैं, और जिनका इतिहास मिट जाता है वो कभी उठ नहीं पाता। आज मौर्य समाज के लोग निश्चित तौर पे लखनऊ से लेकर के दिल्ली में दहाड़ने का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब अगर बुद्ध का शासन काल में ही हमारा देश गुलाम हुआ है, खंड खंड में विभाजित भी हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बुद्ध काल में मेरा मीडिया पत्रकार बंधु से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब जब बुद्ध का शासन रहा, जो खंड खंड में भारत रहा, चाहे अभिन्न भी राज रहे, उसको अखंड भारत का अगर किसी ने सपना सजोने का काम किया था, मात्र एक राष्ट्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्राट थे, सम्राट जी थे जो अखंड भारत के निर्माता थे, शिल्पकार थे। आज जम्मनवादी ताकतों के तहत ये सरकारें चल रही हैं, तो हम कई भागों में बढ़ चुके हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लड़ने का काम करते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं, हम कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करने का काम नहीं करते, क्योंकि हम उन धर्म को मानने वाले हैं जहाँ पर समता, संप्रभुत्व, समतामूलक समाज की स्थापना करने का काम करते हैं। ऐसे मौर्य वंश के लोग हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी हैं, कभी भी लड़ाई झगड़े में हम लोग अपने आप को उसमें बांधना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर समाज के लोग राज करने का काम किए, चाहे आपका हिंदू हो, चाहे सिख हो, मुसलमान हो, हम सभी लोग एक आपसी भाईचारा बना करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आज के समय में जैसे आपने कहा कि हमारा जिस समाज का इतिहास मिटाया जाता है वो समाज मिट जाता है, लेकिन आज जो भाजपा के समय में जो नया संस्करण शिक्षा का आया है, उसमें तो इतिहास बदले जा रहे हैं। मुगल काल को हटा दिया गया है, गांधी जी के इतिहास को हटाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक विचारधारा को पसंद आती है वो इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए हमको जागरूक होकर के अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत पड़ रही। आज जो उसी परिप्रेक्ष्य में सुल्तानपुर की पावन धरा पे एक कार्यक्रम चल रहा, हम लोग गांव-गांव जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हर जगह गांव में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी के, अशोक सम्राट की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 तारीख को आ रही है, जो हर पूरे प्रदेश से लेकर के देश में मनाई जाती, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंतियाँ, हर घरों में मौर्य समाज ही नहीं, पूरा इतिहास, हर समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करने का काम कर रहे हैं। और एक लास्ट में सवाल है आपसे कि यहाँ पर कई सारे संगठन काम करते हैं, अलग अलग संगठनों को एक मंच पर लाने की प्रक्रिया जो यहाँ पर आज की गई है, क्या आपको लगता है सारे संगठन एक मंच पे आके पूरा बढ़िया से काम करेंगे? निश्चित तौर पे जब एक संवेदना, एक अच्छा व्यक्तित्व होगा, हम सभी लोग जब चुनाव आता है, निश्चित तौर पे हम जो आज यहाँ संदेश देने का काम कर रहे हैं, सभी मंच के लोग एक मंच पर आ करके अपने समाज से संबंधी, भारत के इतिहास से संबंधी जो गौरवशाली इतिहास रहा, आज उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विश्व की धरोहर पटल पर रखने का काम कर रहे हैं। जब इसी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाने का काम करते, चाहे जापान जाए चाहे अमेरिका जाए, वहाँ पर भगवान बुद्ध के संदेश को देने का काम करते, वहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति नहीं भेंट की जाती, वहाँ पर उनको भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति भेंट इसलिए की जाती है कि करुणा के वो सागर थे। तथागत महामानव भगवान गौतम बुद्ध जी वो किसी जाति वेश के नहीं थे, उन्होंने सर्वधर्म को संभव देने का काम किया था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जी के उन्हें सम्राट अशोक के वंशज हम लोग हैं। आज उनकी जयंती परिपूर्ण रूप से मनाने का कार्य कर रहे हैं। प्रमुख सुधीर भैया हैं, उनसे हम बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में कैसा रहा और यहाँ का जो कार्यक्रम कार्यक्रम ये समाज को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरीके से हमारा समाज राजनीतिक अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, निश्चित आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बिना हमारे सत्ता नहीं चलेगा। अच्छा, बहुत सारे सवाल जवाब हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि आज जो इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, अभी जो नया सेमेस्टर नया जो शिक्षा नीति आई है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा नीति जो बनाई जाती है हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने वो इतिहास को बताने का काम करती है। रहा सवाल इतिहास से छेड़छाड़ और शिक्षा में हमारे इतिहास से छेड़छाड़, तो मैं आपको बता दूं, अगर मौर्य काल से छेड़छाड़ हो गई है इतिहास में, तो इस भारत में कोई आईएएस थीसिस नहीं पैदा हुआ, कोई पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि हमारा एक काल और काल और इतिहास उसका होता है जिसने इस देश के लिए कुछ किया है। और इस देश में मौर्य काल का वो गौरव काल रहा है जिसने दुनिया में अपना डंका बजाया है, और भारत को में प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अगर किसी को होने का गौरव प्राप्त है तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को, और दूसरा कोई प्रथम सम्राट पैदा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारे देश के नेता विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, और देश में रहते हैं तो दूसरी बातें करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ बुद्ध और युद्ध की बात आप कर रहे हैं, तो सम्राट अशोक ने यह मैं पहले भी बताया हूँ कि कलिंग के युद्ध के बाद जो रक्तपात हुआ उसके बाद जब पूरी दुनिया त्राहिमाम करने लगी सम्राट अशोक के सामने, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा ही आप करते रहे तो पूरी दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं बचेगा। और जो कलिंग का युद्ध हुआ उसमें जो रक्तपात हुआ, इतनी लोग इतनी जाने गई थी, उससे उनका अशोक जी का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने बुद्ध को अपनाया। और बुद्ध को अपनाने के साथ ऐसा नहीं कि उन्होंने फिर साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, फिर पूरी दुनिया में बुद्ध को स्थापित किया। उन्होंने ये दिखाया कि दुनिया केवल युद्ध से नहीं जीती जा सकती, बुद्ध से भी जीती जा सकती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो ये बुद्ध की बात जब करते हैं तो यही कहते हैं, तो सम्राट अशोक को सर्वप्रथम मान करके कि भारत अगर किसी से जाना जाता है सम्राट अशोक से जाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्ध को स्थापित करके बुद्ध को धर्म को अपना करके पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाया, बुद्ध को पूरी पहचान। जी, बहुत अच्छी बात की है कि अगर भारत किसी चीज से जाना जाता है तो बुद्ध से जाना जाता है। हमारे साथ सुधीर भैया थे, बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। साथ में मौर्य बंधुत्व क्लब के अध्यक्ष रामचल मौर्य जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में जो कई सारे संगठन मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उससे आज आप समाज के बीच में और लोगों के बीच में क्या संदेश दे रहे हैं? ये एक अच्छा संदेश है कि पूरा समाज हमारा कहीं ना कहीं एकत्रित हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप रायबरेली से चल के यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और मैंने आपका डिबेट उस दिन भी सुना था जिस दिन माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे थे, आप भीड़ दिखा रहे थे, मैं कल ही सुन रहा था, आपको देखा था, मैंने लगा कि आज यहाँ कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है, आपने इस भीड़ को कवरेज किया और देखा। आज मेरा समाज संगठन, हमारा मौर्य बंधुत्व क्लब संगठन जो है पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, ऐसे पूरे समाज को, चाहे जो जिस तमाम तरह के संगठन हैं उनको सबको एक करने में लगा। जिस प्रकार से नमस्ते कौशाम्बी, नमस्ते प्रयागराज, नमस्ते सुल्तानपुर, नमस्ते जौनपुर और नमस्ते अंबेडकर नगर, इसके बाद होने जा रहा है, इसी के अंतर्गत हमारे सारे समाज के संगठनों को हम एक करना चाहते हैं और एक हो करके रहेगा, ये मेरा दावा है। तो क्या आपको लगता है कि हमारा समाज जो जिस इतिहास को आज की जो नई पीढ़ी है उसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में बहुत कम जानती है या ना के बराबर जानती है, क्या आपको लगता है कि यहाँ से जो संदेश जाएगा लोग और भी जागरूक होंगे, उनके बारे में जानेंगे, उन चीज़ों के बारे में? निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से समाज जग रहा है। जिस प्रकार से तमाम छोटी छोटी नदियाँ
एक तरफ से बहती हुई अलग अलग क्षेत्रों से बहती हुई एक समुद्र में जाके मिलती हैं, उसी तरह से हमारे तमाम संगठन ऐसे हैं मौर समाज के, बहुत सारे संगठन, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके मन में समाज के प्रति चिंता है, समाज को एक करने की चिंता है और समाज को जागरूक करने की चिंता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और चाहे IAS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हर क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मिशन को लेकर चल रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिल रही। आज हमारे समाज में जहां कोई IAS PCS जजेज नहीं होते थे, आज समय आप देखेंगे हर वर्ष जो हमारे रिजल्ट आते हैं उसमें तमाम हमारे समाज के बच्चे IAS बन रहे, PCS बन रहे। अभी बिहार के लड़के ने टॉप किया था IAS में, और बहुत सारे ऐसे संगठन के बहुत सारे पदाधिकारियों के बच्चे हैं और सारे संगठन हैं, मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे जजेज भी हुए हैं और हो रहे हैं, निश्चित रूप से समाज में बदलाव आ रहा है। तो ये थे रामचल मौर्या जी जो कि मौर बंधुत्व क्लब के अध्यक्ष हैं, और बहुत सारी विचारधाराएं इनकी है, बहुत सारी कोशिश है कि लोगों को आगे बढ़ाया जाए अपने हक के लिए, अपने समाज के हक के लिए, उस हक के लिए जिस जो हक आज बैकवर्ड को और हम इस समाज को नहीं मिल रहा है, उसके लिए लड़ रहे हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। मैं मुकेश मौर्या, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाला।